हम मौजूदा चर्चित आदर में विजय संकल्प रैली भारतीय जनता पार्टी को ये किसानों का रथ देख लिए, किसानों का मरुस्थल का जहाज और किसानों का प्रतीक ट्रैक्टर। सीमित लेवल पर लोगों को कहा गया है, लेकिन फिर भी आप देखते हो बड़ी भारी संख्या में लोग आए हैं, बड़ा उत्साह है। आज की भीड़ को देखते हुए ये लग रहा है बिल्कुल कि हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी डंके के चोट पर जीतेगी। पिछली बार जो भी जन समुदाय से जो भी मतलब वोट बैंक मिला था उससे डबल पार जाएगा अब की बार, ये बिल्कुल निश्चित हो चुका है। चौधरी धर्मवीर जी अब की बार तीसरी बार भारी बहुमत से यहाँ पर विजय होंगे। नारी शक्ति क्या लगता है चौधरी धर्मवीर तीसरी बार मैदान में, बाकी सारे प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, क्या तीसरी बार कितने वोटों से जीता है? जी हमारे तो 6.5 लाख के अनुमान लगा के चल रहे हैं। हमारी माताओं को बहनों को बहुत सुविधा मिली है सर से, देखो इतनी महिलाएं खड़ी, इनके साथ में मैं भी खड़ी हूँ, और इन्होंने जितनी मोदी ने मदद दी है ना इतनी किसी पार्टी ने भी नहीं दी। लोकसभा चुनाव का समय है और दो बार के आपके लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी तीसरी बार प्रत्याशी बनकर आपके बीच में आए हैं। मैं तो आप सब साथियों से एक ही आग्रह और अनुरोध करूंगा, अपनी पूरी ताकत झोंक कर जो दो बार जीत हुई उससे तीसरी बार ज्यादा वोटों से जिताकर इनको लोकसभा में भेजने का काम करें। एक जी एक बात और है ना, देश का विदेशों में बहुत नाम किया है, जमींदारों को भी मतलब बहुत फायदा किया है जी। लेकिन सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होने से क्या फायदा होगा जी? मतलब पब्लिक तो जागरूक है, ये तो मोदी की के गए ने। क्या लगता है धर्मवीर भिवानी से बहुत ज्यादा बहुमत से जीतेगा भाई? अब मोदी सरकार ही बनेगी अब की बार तो। अच्छा कितनी सीटों से बन रही है? 400 पार। क्यों जी, क्या लग रहा है? बिल्कुल सही बात है, 400 पार। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बिल्कुल काम करवाया जी। ये गठबंधन नहीं है, गठबंधन है। बीजेपी ने राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, 52D लगाट दिया, यो वो लगट गया, पैसा इधर लगड़े होगा, कितना विकास हो गया, कनेक्टिविटी हुई इस तरह। ये धर्मवीर की तो उस तो होया होगा, एमपी साहब किस तरह, ये सारे जो काम है ये सारे एमपी साहब किस तरह हुए हैं। बिना खर्ची बिना खर्ची का वादा किया था बीजेपी ने भाई, हर घर में बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देंगे। पहली बार हरियाणा में ऐसा हुआ जो बिना पर्ची बिना खर्ची पर्ची लगे लोग। 2014 के इलेक्शन में 3.5 लाख से विजयी हुए थे धर्मवीर जी, और 2019 के 4,45,000 के, इस बार आप 6 लाख के आसपास की जीत देख रहे हैं। रही बात कैंडिडेट की सामने, तो वो कैंडिडेट राव दान सिंह जी जो उतारे गए हैं वो कांग्रेस पार्टी बड़े कोई टिकट लेने वाला नहीं था, फिर दान सिंह जी ने कवर कसी है। हार तो उनकी निश्चित है, 9 के 9 हल्कों में जीते थे चौधरी धर्मवीर जी, और इस बार भी 9 के 9 हल्कों में बड़े मार्जिन से जीतने वाले। यहाँ भाई साहब उम्मीद पत्रवासी का बहुत बहुत वो है, जब बार हल्के की बहुत जनता आई हुई है, यहाँ आधे से ज्यादा जनता बार हल्के से आई हुई है वो भाई साहब उम्मीद पत्रवास के प्यार में। जी काफी गर्मी में भाग हो रहे हैं। भाई क्या करा गर्मी मोहन, क्या करा है, हम नजर आना नहीं सुमारा बिना केस है। हाँ बताओ गर्मी मोहन क्या करा भाग्य में भाग। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। किसकी फतेह हो रही है? वही 400 पार धर्मवीर जाएगा जी, टॉप का जाएगा। हाँ जी बढ़िया जाएगा, और दो मोदी साहब ने जो काम करे ना कोई कर नहीं सकता। जो बने सोनिया फिर मोदी सरकार आएगी दोबारा साहब। लेकिन लोग तो कह रहे हैं पार नहीं करते। कौन कह रहे? क्या है, लोग तो कहते रहते हैं, लोगों पे क्यों कर रहे हो आप मोदी का वोट? आप मेरी बात नहीं रहे, नू सोच लो पूरा हरियाणा बोले मोदी का वोट बोले नहीं का, और कांग्रेस को झुंझुना बोले देखा है या सच्चाई से? सांसद जी को विश्वास दिलाता हूँ, हम सब मिलकर मेहनत करके आपको पिछली बार से ज्यादा मतों से जिताकर यहाँ से भेजेंगे। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूँ लंबा, मेरे चौकी मानसू लंबा के साथ हम मौजूदा चर्चित आदर में विजय संकल्प रैली भारतीय जनता पार्टी को, ये किसानों का रथ देख लिए, किसानों का मरुस्थल का जहाज और किसानों का प्रतीक ट्रैक्टर। काफी संख्या में लाइन देख लीजिए, मानसू लंबा दिखा दीजिए, विजय संकल्प रैली
कहीं न कहीं बहुत ही किसान उत्साह के साथ यहाँ पे ये ट्रैक्टरों का जत्था देख लीजिए लगातार यहाँ पे किसानों का ट्रैक्टर सरपट सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर सरपट दौड़ते विजय संकल्प रैली की तरफ आ रहे हैं और ये लंबा चौड़ा लगभग देख लीजिए 3 से 4 किलोमीटर का लंबा काफला वाहनों का कहीं पे ट्रैक्टर कहीं पे डीजे कहीं पे भंगड़े लोग अपने अपने तरीके से मंगल गीत गाते आ रहे हैं और यहाँ पे हम बातचीत करें तो सतपाल सांगवान है वहीं पे हम बातचीत करें उमेद पातुवा से और इसके साथ साथ अब तस्वीरें दिखा रहे हैं कुछ ही देर में खट्टर साहब भी यहाँ पहुँचेंगे और ये विजय संकल्प रैली का कहीं ना कहीं नज़ारा है और ट्रैक्टरों का नाम खत्म होने का नहीं ले रहा ये देख लीजिए कहीं पे हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं विजय संकल्प रैली चरखी दादरी हरियाणा राज्य खट्टर साहब की और ये तस्वीरें देख लीजिए आप हमारे साथ तस्वीरें दिखा पा रहे हैं कहीं ना कहीं और वाहनों का लंबा चौड़ा एक जत्था और हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करवाएंगे और ट्रैक्टरों के साथ साथ ट्रैक्टरों की संख्या अच्छी खासी दिख रही है और कहीं ना कहीं उमेश बातुबाज से सतपाल सांगवान है मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे कि आपकी रैली आज सक्सेस हो गई है और हमारे साथ ये ट्रैक्टरों के जत्थे हिमांशु लंबा आपको तस्वीरें दिखा रहा है कहीं ये लंबा चौड़ा काफला ट्रैक्टरों का और ट्रैक्टरों में दिखा रहा इनसे बातचीत करवाते हैं जी क्या कहेंगे रैली चल रहा है अभी तो कितने बजे निकले थे घर से लग रहे थे 10 बजे तो क्या लग रहा है रैली सही है बढ़िया तो किसानों का जहाज देख हाँ किसान कितने ट्रैक्टर ट्रैक्टर होंगे 100 का करीब है गांव से तो रैली सक्सेस हाँ ठीक तो किसके समर्थन में पहुंचे उमेश पातुवा सतपाल सतपाल सांगवान सांगवान का जत्था है लंबा थोड़ा हिमांशु लंबा थोड़ा पीछे दिखाइए ट्रैक्टरों की लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही है उमेश पातुवा सतपाल सांगवान द्वारा विजय संकल्प रैली कहीं के बहुत बड़ा एक आयोजन किया गया है हम पंडाल के अंदर मौजूद हैं और अभी पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब यहां पहुंचे नहीं है मनोहर लाल जी और लोगों का आवागमन लगातार जारी है और अभी बातचीत कुछ देर पहले हो रही थी कि 4,000 कुर्सियों का पंडाल लगाया गया है लगभग कुर्सियाँ भर चुकी है थोड़ी बहुत खाली लेकिन अभी बड़े नेता यहाँ कोई नहीं पूछा है उससे पहले ही अपनी अपनी जगह ले चुके हैं और बाहर हमने आपको नज़ारा दिखाया हुआ सैकड़ों ट्रैक्टरों का गाड़ियों का काफिला लगभग 5 किलोमीटर लंबा जाम तो कुछ लोग मेरे साथ बने जी क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को आज का प्रोग्राम चुनावी समय है बहुत जगह इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं और सीमित लेवल पर लोगों को कहा गया है लेकिन फिर भी आप देखते हो बड़ी भारी संख्या में लोग आए हैं बड़ा उत्साह है कई जगह बगावत भी देखने को मिल रही नहीं चुनावी समय में होता है ऐसा ये स्वाभाविक बात है नेता लोग हैं जिसको जहां एडजस्टमेंट नहीं होगी वो दूसरी जगह पर देखेंगे चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति पहले ये उसकी प्रेफरेंस होती है कि उसको टिकट मिले और एक जगह नहीं मिले तो दूसरी जगह कहाँ मिले वो चुनाव लड़ जाए उनकी प्राथमिकता केवल यही होती है इसलिए उछल कूद करते हैं आज का प्रोग्राम उमेश पातुवास या सतपाल सांगवान का नहीं वो तो दोनों सबका है पातुवास जी ने भी अच्छा जोर लगाया है क्योंकि गांव में हर गांव से उनकी 2-4, 5-7 गाड़ियाँ हर गांव से हैं उन्होंने सब लोगों को जाकर के कहा है और बड़ी मेहनत करी है इसमें कोई डर है मोदी मोदी सारे देश में ही हो रही है क्या मैं जगदीश सांगवान जिला उपाध्यक्ष भाजपा हाँ जी ऐसा है कि आज की जो रैली है ये देखते ही उत्साह बनता है लोगों का और तीसरी बार मोदी सरकार को लोग बनाना चाहते हैं ये आज ये जो लोगों की भीड़ है ये दिखाई दे रही है तो तस्वीरें देख लीजिए लगातार सतपाल सांगवान मंच के ऊपर आ चुके हैं और उमेश बातोबाज पहले ही पहुँच चुके हैं क्या कहेंगे भाई साहब कैसा लगा प्रोग्राम क्या देख रहे हो प्रोग्राम यूँ लगा लीजिए जी आज की जो ये विजय संकल्प यात्रा है और सीएम साहब यहाँ पर आ रहे हैं ये आज की भीड़ को देखते हुए ये लग रहा है बिल्कुल कि हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी डंके के चोट पर जीतेगी और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो 400 पार का नारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वो बिल्कुल होके रहेगा
लेकिन कहीं ना कहीं ये बगावत भी देखने को मिली पूरे हरियाणा में, तो ये क्या मसला है? वो बगावत है, वो बिल्कुल विपक्ष है, वो बिल्कुल बरगला चुका है, उनके पास कोई सही बताने के लिए कहने के लिए कोई बात ही नहीं बची है। वो आपको अब नजर भी आ रहा होगा लगभग। लोकसभा की बातचीत करें, कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग भी सारे मैदान में पत्ते खुल चुके हैं और रण में उतर चुके हैं, तो आपकी बार तीसरी बार चौधरी धर्म, बिल्कुल तीसरी बार चौधरी धर्मबिल जी को, पिछली बार जो भी जन समुदाय से जो भी मतलब वोट बैंक मिला था उससे डबल पार जाएगा आपकी बार, ये बिल्कुल निश्चित हो चुका है। और लोगों की जो मतलब अभी हम राय लेते हैं वो बिल्कुल निश्चित करती है कि चौधरी धर्मवीर जी अब की बार तीसरी बार भारी बहुमत से यहाँ पर विजय होंगे। चौधरी धर्मवीर जी भारी बहुमत से विजय होंगे, तो हमारे साथ कुछ लोग और बने हुए हैं जी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है, सारी कुर्सियाँ 4,000 लगाई गई थी, सारी पंडाल भर चुका है, लोग कहते हैं बगावत हो रही है, लेकिन यहाँ तो विजय संकल्प रैली में पूरा माहौल है। वहाँ तो लम्बा कैमरे में फिर दोबारा निकल, सभी कुर्सियाँ भरी पड़ी हैं, खट्टर साहब अभी पहुँचे नहीं। आज जो बीजेपी की जो रैली है इसके अंदर बिल्कुल जो पंडाल है सारा खचाखच भरा हुआ है। चौधरी धर्मवीर जी भारी मतों से विजयी होंगे और सांसद बनकर हम लोकसभा में जाएंगे, और इसके साथ जो चौधरी सतपाल सांगवान जी हैं उनके जो समर्थक हैं वो भारी मात्रा में यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पहुँच रहे हैं। चारों तरफ दादरी के चारों तरफ जाम है, आपने भी देखा होगा, आप भी यहाँ आए थे, और चारों रोड बंद है, जाम से भरे बंद है। तो हमारे साथ तस्वीरें देख ले, विजय संकल्प रैली लगभग 11 बजने वाले हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चारों तरफ का ये माहौल है। फिलहाल जनता जनार्दन यहाँ पर पहुँच चुकी है और अभी मुख्यमंत्री साहब पहुँचे नहीं है मंच पे, और यहाँ पे हम कुछ लोगों से और भी बातचीत करवाएंगे। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं लंबा चौड़ा जन मोदी जी की सपोर्ट में आए हैं, और चौधरी धर्मवीर जी जो यहाँ के हमारे प्रत्याशी हैं और बहुत सारे वोटों से जीत करवाने के लिए आए सभी माताएं बहनें। बहन जी मुझे ये बताइए, काफ़ी लंबी चौड़ी संख्या है महिलाओं की, इनको लेकर आप पहुँचे हो, तो क्या लगता है चौधरी धर्मवीर तीसरी बार मैदान में, बाकी सारे प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, क्या तीसरी बार कितनी वोटों से जीता है? जी हमारे तो 6.5 लाख के अनुमान लगा के चल रहे हैं, हमारी माताओं को बहनों को बहुत सुविधा मिली है, सबसे देखो इतनी महिलाएं खड़े, इनके साथ में मैं भी खड़ी हूँ, और इन्होंने ने जितनी मोदी ने मदद दी है ने इतनी किसी पार्टी ने भी नहीं दी, किसी ने भी नहीं दी, मेरी माता शक्ति खड़ी है, हमारे जितने मोदी जी ने जितनी सहायता दी ने फिल्सन करवाई, हाँ हमारी फिल्सन करवाई सबकी ने, उसके लिए आए फिल्सन होगी हमारी 3,000 दिया, कोई इलाज नहीं, फ्री इलाज गरीब आदमी के पास ने 10 रुपये होते भाई इलाज के लिए, डॉक्टर पर्ची काटने के लिए भी नहीं होते थे, आज हमारी मातृ शक्ति ने इतना हौसला बढ़ाया है कि भी कार्ड के ऊपर हमारा फ्री इलाज हो रहा है, खाने के लिए राशन दे रहा है और सबसे ज्यादा बच्चों की सुविधा दे रहा है। जी, क्या कहेंगे? हाँ जी नमस्कार जी, हम आज भारतीय जनता पार्टी का फिर से एक बार बहुमत से सरकार आए और चौधरी धर्मवीर जी तीसरी बार सांसद बने, हम सब सारी नारी शक्ति और पूरा अपना जो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा है वो सभी चाहते हैं, बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही ईमानदार आदमी है, हम चाहते हैं कि वो फिर से एक बार तीसरी बार सांसद बने। कितने वोट दे दीजिए? मैं हम तो 6-7 लाख की तो हम वोटिंग करते सोच ही रहे कि आज मोदी के लिए आए, धर्मवीर के लिए आए, सतपाल सांगवान उमेद बातुबाजी, हम चौधरी धर्मवीर जी के लिए आए हैं, हम तो सिर्फ मोदी जी के लिए आए, कमल के फूल के लिए आए हैं कि ये हमेशा चमकता रहे, ऐसे ही देश में पूरे ब्रह्मांड में इसका डंका बजता रहे कमल का फूल का। तो साथ में हम ही धर्मवीर जी का भी सहयोग करके हम क्योंकि हर एक गांव में जाके चौधरी धर्मवीर जी हर छोटे से लेके बड़े तक का बैठ के उनका समाधान करता है, कोई भी समस्या लेके जाते हैं उस समस्या का समाधान बेखूबी से निभाते हैं। मोदी आए क्यों? क्योंकि विकास के काम किए हैं जी उसमें। हाँ जी, हमें डंका बज रहा है इसका,
और विकास का काम है। अपना मोदी है इसके लिए बढ़िया काम किया है, आयुष्मान के लिए बड़ी इलाज हो रहा है जी गरीब। जब से जाके जेंट के देखो और कहीं देखो, पहले पत्थर लगते थे उनको, और आज ने जो हमारे जवान भाई हैं जो जेंट के में जो नौकरी करते और कहीं नौकरी करते हैं, अपना सर उठा के चलते हैं, उनको मान सम्मान मिलता है। तो ये माँ नारी शक्ति हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है, तस्वीरें देख लीजिए और थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा दीजिए। अभी तो लगातार लोग आते जा रहे हैं और ये संख्या लंबी चौड़ी है, खासी अच्छी खासी संख्या जी। और हमारे साथ तस्वीरें देख लीजिए, हाथों में चार चार बैनर उठा रख के भागे चले आ रहे हैं ये लोग जी। पैरों में दर्द है, कहाँ भागे जा रहे हैं? मोदी की अच्छा मोदी की रैली क्यों? एक जी एक बात और है ना, देश का विदेशों में बहुत नाम किया है, फिर जमींदारों को भी मतलब बहुत फायदा किया है। लेकिन सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होने से क्या फायदा होगा जी? मतलब पब्लिक तो जागरूक है, ये तो मोदी की के गए लेने। तो क्या लगता है धर्मवीर भिवानी से बहुत ज्यादा बहुमत से जीते? बहुत बहुमत के साथ जी। मोदी सरकार ही बनेगी अब की बार तो। चार सौ पार क्यों जी, क्या बिल्कुल सही बात है। चल 400 बार ऐसा क्यों लग रहा है? बिल्कुल काम करवाया जी। ये गठबंधन गठबंधन नहीं है, गठबंधन है। हाँ ये बार, हाँ ये गठबंधन है, गठबंधन नहीं है ये। अब की बात 400 पार है। अच्छा बाकी यहाँ भिवानी से क्या क्या लग रहा है? भिवानी से धर्मवीर जी कम से कम 5 लाख से 4 लाख 75 हजार से पहले। हाँ तो अभी तो बाहर इसे फालतू जिताएंगे इसको। बिल्कुल जी सही बात है इसका। हाँ बहुत ज्यादा ग्राफ बढ़ा आपकी बात, क्योंकि गरीब बच्चे लगे हैं, नौकरी लगी है, खूब लगी है, मेडिकल सुविधा दे रखी है सर, हर वो चीज मिल रही है जो मिलनी चाहिए। कुछ ही जो कमियां रह गई वो आपकी बात जब बढ़ने के बाद और करेंगे। तो ये लगातार लोग आते जा रहे हैं नारीबाजी के साथ, और यहाँ पे हम बातचीत करें, ये लोग कह रहे हैं कि बिना खर्चे बिना पर्चे के नौकरियां लगी हैं। आज रैली में पूछे विजय संकल्प में तो लोगों का नजारा रुझान देख रहे हैं, क्या मुद्दे लेके लोग यहाँ वोट विकास करे भाई? बीजेपी ने राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, 52D लगाट दिया, लगट गया पैसा लगड़ा होगा, कितना विकास हो गया, कनेक्टिविटी हुई इस तरह, मल्टीपर्पज कंपनी आऊंगी है, इसका सारा इंडस्ट्रियल एरिया होगा, उसका पैन तो होगा, फायदे हमारे इलाके तो होगा, और किसी ने होगा, ये धर्मवीर की तो उसका होया होगा, एमपी साहब की उसका है, ये सारे जो काम है ये सारे एमपी साहब की उसका हुए हैं। अच्छा बताओ नौकरियों के बताओ, बिना खर्चे बिना खर्ची का वादा किया था बीजेपी ने भाई, हर घर में बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी देंगे। पहली बार हरियाणा में ऐसा हुआ जो बिना पर्ची बिना खर्ची पर्ची लगे लोग, ऐसा पहली बार मेरिट बेस पर लगे। गाँव में कितने लगे? मेरे इस पते गाँव में कम से कम 50 बच्चे। कौन से? रानीला 50 बच्चे। डी ग्रुप में भी लगे, पुलिस में भी लगे। जिस बाग का टेस्ट पड़ा वो लग गया, जिस बाग ने टेस्ट पड़ा वो लगा, बगैर 1 रुपया दिए। टेस्ट क्लियर जिसने करा मेरिट में आया वो सारे लगे। बालक पढ़ने बैठा दिए ना, बालक पढ़े ना करते, बालक पढ़ने लग गए, कंपटीशन करने लग गए, जो बालक पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा। पहले क्या था कि रुपया तो नौकरी लग गया करते, ये रुपया दूर हट गया, पढ़ाई चलेगी। क्या कह रहे थे बिना खर्ची बिना पर्ची की बात? हाँ बिना खर्ची बिना पर्ची पहले बार लगे हैं, ऐसा ऐसी पहली सरकार थी जो 10 साल का राज मनोहर लाल का खट्टर है। तो हम विजय संकल्प रैली में मौजूद लगातार लोगों से बातचीत करवा रहे हैं और पंडाल के पीछे मौजूद हैं। थोड़ा सा आगे का नज़ारा दिखा दीजिए पंडाल के उस साइड का, हिमांशु लांबा थोड़ा उधर का नज़ारा भी दिखा दीजिए। फिलहाल पंडाल फुल है कहीं ना कहीं, और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी यहाँ पहुँचे नहीं हैं, सतवार सांगवान मंच पे हैं, उमेद बातुवास मंच पे हैं, और यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विजय संकल्प रैली मेजबान चौक संकेत आदरी से। कुछ लोगों से और बातचीत करवाते हैं, सुबह से हम बातचीत करवा रहे हैं जी। क्या कहेंगे आज के रैली को लेके, क्या माहौल है लोगों का, क्या कहेंगे विजय संकल्प रैली लोग को? मुन्ना लांबा जी सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज 24 का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ऐसे ऐसे आयोजनों को कवर करते रहते हैं। रही बात रैली की, ये चरखी दादरी और बारडा की रैली है, और ये रैली आदरणीय उमेद पात्रवासी और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी के बुलाए गए हैं। तो बारडा से यहाँ कम से कम भी मैं ज़्यादा नहीं कहूँ तो आधी तादाद यहाँ बारडा की और आधी तादाद यहाँ चरखी दादरी की है। बारडा की बुलाई हुई तादाद जो है वो उमेद जी की बुलाई हुई है, और बाकी सतपाल सांगवान जी के प्यार और प्रेम में आए हुए लोग। तो इस बात से आप पंडाल से भरे हुए से जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने वाली है यहाँ से। तो आपको लग रहा है फिलहाल जो द्रव्य फाइट में है
बाकी कई प्रत्याशी इनके फाइट में हैं, कहने की कितना आकलन लगा रहे हो, आज जो जोश है और किसानों के कहने के बगावत भी देखी जा रही तो भी इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया गया है तो क्या? देखो आपको एक बात बताऊं, सही मायने में मानो तो किसानों की कोई बगावत नहीं है, किसान हितैषी सरकार भी रही है, मजदूर भी सही रही है, कमेरे हितैषी, व्यापार हितैषी, ठीक है। रही बात अब मार्जिन की, बात करें 2014 के इलेक्शन में 3.5 लाख से विजयी हुए थे धर्मवीर जी और 2019 के 4,45,000 के, इस बार आप 6 लाख के आसपास की जीत देख रहे हैं। रही बात कैंडिडेट की सामने, तो वो कैंडिडेट राव दान सिंह जी जो उतारे गए हैं वो कांग्रेस पार्टी बड़े कोई टिकट लेने वाला नहीं था, फिर दान सिंह जी ने कवर कसी है, हार तो उनकी निश्चित है, 9 के 9 हलकों में जीते थे चौधरी धर्मवीर जी और इस बार भी 9 के 9 हलकों में बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। आज इतनी संख्या सतपाल सांगवान या उमेश पात्रवास का इसमें सहयोग मान, बिल्कुल इसमें कोई दराय नहीं है, दोनों के एक बुलावे पे हजारों हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हो जाते हैं, ये उनका प्यार प्रेम समाज में रहते हैं, लोगों के सुख दुख में शरीक होते हैं, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे कांड मुकांड हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे गरीब की बात हो, आम आदमी की हो, मजदूर की हो, रेहड़ी पटने वाले की, उमेश जी हमेशा खड़े रहते हैं, ऐसे ही सतपाल जी लोगों के बीच रहते हैं और इसीलिए लोगों के बीच रहते हैं तो लोग एकत्रित होते हैं। तो हमारे साथ बाबा क्या कहेंगे आप, ये कहोगे रैली में पूछा और किसी की लागी रहे आवाज? हाँ रैली बढ़िया लाग रही है फिलहाल में। ये काम करो जमींदार, हाँ जमींदार करो, हाँ कहें जमींदार है खिलाफ से ना ठीक लागी है, हाँ खट्टर बढ़िया खर्ची प्रति साल सब खत्म से मन बढ़िया लागी है, बीजेपी बढ़िया तो खेला गया धर्मवीर के लिए, हाँ जिम्मा ये तो हमें कैसे ना उठे तो टिकट वाले दिन आना जिस भी उठे तो निकल रहे तो मोदी जी की नीति ठीक लग बढ़िया, मोदी तो एक मोदी तो सारों काम मंडी रहे हो क्यों भाई साहब, क्या कहेंगे बहुत बढ़िया रैली भाई साहब, हाँ जी तो लोग आ रहे हैं, ये आपको अंदाजा था इतने लोग? हाँ जी अंदाजा, इतना इस तरह भी ज़्यादा आने थे तो थोड़ा काम का टाइम था, नहीं तो और भी ज़्यादा लोग आते यार, और यहाँ भाई साहब उमेद पतवासी का बहुत बहुत वो है जो वार्ड हल्के की बहुत जनता आई हुई है, यहाँ आधे से ज़्यादा जनता वार्ड हल्के से आई हुई है, वो भाई साहब उमेद पतवास के पैर में अभी ये पंडाल, हाँ जी अभी पंडाल खुलो, अभी तो बाकी बाहर बहुत पब्लिक खड़ी आने वाली है और आ रही है अंदर धीरे धीरे। हाँ जी तो हमारे साथ ये लोग बने हुए खास बातचीत में, तो ये तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे, ये लगातार यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि विजय शंकर बरेली में हम आएंगे बड़े चाव के साथ, और भैया बाबा कह रहे हैं कि हमारे लिए तो बहुत अच्छी सरकार है और मैं खुद किसान हूँ ये कहते हैं, और किसानों के लिए तो बहुत कुछ किया है मोदी सरकार ने, और ये धर्मवीर की जीत सुनिश्चित कर रहे हैं कि मोदी लहर बरकरार है, बाबा कह रहे हैं तो मोदी लहर बरकरार है बिल्कुल है तो आज आपको लग रहा था इतनी बड़ी संख्या पहुंचेगी? यानी क्या सोच रही थी, बहुत ज्यादा सोच रही थी, अब पहुंचेगी पब्लिक। तो हमारे साथ ये तस्वीर देख लीजिए, कहीं ना कहीं हम आपको तस्वीरें दिखा पा रहे हैं कहीं ना कहीं, और हम लगातार लोगों से बातचीत भी करवा रहे हैं क्योंकि आजकल रैलियों का माहौल कुछ अलग ही है, क्योंकि पारा 40 के पार है तो लोग आ नहीं पाते इसी गर्मी उमस भरी में, लेकिन यहाँ कहीं के सतपाल सांगवान उमेश पात्रवास का नजारा देखने को अंदर मिल रहा है, लोग कहते हैं कि हम उनके वजह से यहाँ पे पहुँचे हैं और लगातार अभी लोग आते ही जा रहे हैं, 4,000 कुर्सियाँ अंदर लगाई गई थी, मैं फिर बताता हूँ विजय संकल्प रैली के लिए, और पूरा पंडाल कम से कम खचाखच भर चुका है, अंदर का नज़ारा हमें देख के अभी देखा है और कुछ लोगों से बातचीत भी करवाई है, जोश के साथ लबालब है, अच्छी खासी संख्या है यहाँ पे और महिलाएँ भी लगातार आ रही हैं, और ताई जी से बातचीत करवा लेने, ताई जी काफ़ी गर्मी में ने भाई भाई क्या करा गर्मी मान क्या करा है, हम न जाता होना नहीं तुम्हारा बिना केस है, हाँ बताओ गर्मी मान क्या करा भाग्य में भाग ओ क्या लग रहा है जीतेगा है जीतेगा 400 पार है 400 पार जब जीतेगा भाई किसके लिए आए, सतपाल सांगवान उमेश पात्रवास धर्मवीर या मोदी के लिए? मोदी के लिए, सतपाल सांगवान के लिए, मोदी के लिए, सारा के लिए आया था। हाँ छोरा नौकरी में ना मेरा तो लग रहा कोई हाँ फिर इतना प्यार कैसे प्यार ये बनेगा जिद्दा लाऊंगा नहीं शुक्र लाऊंगा नौकरी से प्यार होता है हाँ। नौकरी से प्यार नहीं, हमें अपने राष्ट्र से प्यार है, अपने देश से प्यार है, अपने देश की उन्नति कर रहे हैं ये मोदी जी, अपने देश की उन्नति कर रहे हैं, आज विश्व में डंका बाज रहा है भारत का, क्या लग रहा है अब की बार 400 पार? लेकिन लोग कह रहे हैं ये खुश हो गए हैं 200-250 भी पाएंगे पूरा गठबंधन, ये चुटमुट तो होते हैं, देखो विपक्ष भी सही है,
ऐड कौन करता है? विपक्ष, मोदी 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 मोदी। हम तो हैं ही मोदी के, लेकिन विपक्ष ही मोदी का हो जाएगा एक दिन। आने वाले कुछ चंद दिनों के अंदर। लेकिन ये तो डर रहे हैं सबको जेल में। कौन ठोका है जेल में? ठोकेगा तो देशद्रोही है, वो तो जाएगा, वो तो जाएगा। तो क्या लगता है आपकी बार यहाँ धर्मवीर कितने? पूरे बहुमत से। आपकी बात तीसरी चौथी बार भी आएगा? तो है ही है, चौथी बार भी आएगा। फिर तो गठबंधन कहता है कि फिर तो प्रमाणित रहेगी बीजेपी, ये लास्ट टाइम। राष्ट्र का हित ही करने वाले हैं। जय हिंद जय भारत, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। किसकी फतेह हो रही है? 400 पार। क्या बात है जी। लेकिन नारानिया बेल्ट, डबा वाली बेल्ट, वहाँ पे सरदार जी काफी वो क्या पगड़ी संभाल जट्टा। धर्मवीर जाएगा जी, टॉप का जाएगा। हाँ जी, बढ़िया जाएगा। और दो मोदी साहब ने जो काम करे ना, कोई कर नहीं सकता। सबको दिया, हमारे को मकान भी दिया। हम क्या अच्छे बोलते हैं जी, सब कुछ मिला हमारे को। ऐसे बात नहीं, मोदी की जो गारंटी है ना, सब मिली। लेकिन पंजाब में नहीं आते सरकार? पंजाब में तो किया जरा कह सकते, ये पंजाब में भी आ जाएगी आपके। आएगी आएगी पंजाब की। लेकिन रानिया बेल्ट, डब्बाली बेल्ट में काफी यहाँ वो पगड़ी संभाल जट्टा जैसे किसान यूनियनों का काफी हाँ उलट, वो भी आ जाएंगे जी। किया तरह सब आ जाएंगे, मोदी की गारंटी से सब आ जाएंगे जी। वो पंजाबी सरदार जी कहते हैं ये सरकार अच्छी नहीं। किया तरह जी, ऐसे बात नहीं है, सब किया तरह अच्छे हैं, सबके लिए बढ़िया है। क्या लगता है देश के लिए? हर देश बहुत अच्छे जी, मोदी सरकार बहुत अच्छी है देश के लिए, सबसे बढ़िया। सबको एक समान? हाँ जी, सबको एक समान रखती है, छोटे गरीब को। देखने को मिल रही है हरियाणा में? नहीं जी, कहीं नहीं है। हरियाणा में पूरी जय बगावत करते हैं जी, जो मेहनत करके खाने वाले हैं वो बगावत नहीं करेंगे बोल रहे हैं जी। पूरे हरियाणा में बात चल रही है जी। सीट तो 400 पार। डिजिटल बात तो होगा तो नौकरियां कहां होंगी? 400 पार होगी। मेहनत करके आओ। हरियाणा की 10 सीट। हाँ 400 पार, बिल्कुल 10 की 10 जी। ठीक है, अभी वो एक वादा किया था भ्रष्टाचार मुक्त कर देगा हरियाणा को। सर अगर किसी सरकार को नियम से टिकते नहीं रहने देगा ना, तो जड़ से ही बीमारी निकलेगी। अब एकदम थोड़ी बीमारी निकलेगी जी, बीमारी को तो उसको टाइम चाहिए। और ये जो बीजेपी है, ये जो एक देसी दवाई का काम करती है, और ये जो देसी दवाई काम करती है ना, ये बीमारी को धीरे धीरे जड़ से खत्म करती है। और अंग्रेजी दवाई तो खाली वो दब जाएगी, लेकिन बीजेपी सरकार है देसी दवाई है, और धीरे 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 सारी बीमारी का इलाज कर देगी। राहुल ने तो कई घोषणाएं कर रखी है, हम एमएसपी दे देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, बिजली बिल्कुल खत्म कर देंगे, जड़ से कोई बिल नहीं होगा, सब मीटरों को पढ़वा देंगे। बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं हैं। और पी चिदम्बर का एक बयान आया था, ये धारा 170 तोड़ देंगे और 3 तलाक को तोड़ देंगे। अभी पी चिदम्बर एक बात बताओ जी, कर्जा मुक्त कर देंगे, वो पैसा आएगा कहाँ से? महंगाई बढ़ जाएगी। हमारा पैसा हमको ही यूज कर रहे हैं, तो हम करके क्यों ना खाएं? हम कर्जवान क्यों हो रहे? हम भारत सरकार को टैक्स क्यों ना दे? मेहनत करके खाएं हम, क्यों कर्जा ले रहे हैं हम सरकार से? हम सरकार को दें, सरकार को हम देंगे तो हमको फैसिलिटी मिलेगी। हाँ ठीक बात से भाई, ना भोगट का नहीं खाना, तीखा खाओ। ऐसा है जी, जो अब सरकार है, ये सरकार अच्छा काम कर रही है, इसको और थोड़ा समय दो और अच्छा काम करेगी। ऐसे है जी, 70 साल से कांग्रेस करी थी, कांग्रेस के पास समय नहीं था, पैसा नहीं था, नेता का पावर सब कुछ था, लेकिन तरीका नहीं ना उनको। अब इनको तरीका है, इनको पता है कि किस चीज का क्या इलाज है, वो इलाज कर रही है। जो बने सोनिया, जो बने सोनिया। धन्यवाद हमारे साथ ये बातचीत में लोग बने हुए खास में, और इनसे बातचीत करवा रहे हैं। लगभग पंडाल अंदर भर चुका है, और अंदर का नजारा भी हम आगे चल के दिखाते हैं। मेरे साथ आप बने रहिए हरियाणा News 24 पे, क्योंकि लोग कहते हैं यहाँ आए हैं अपने अपने सपोर्टर हैं, अपने अपने चाहने वाले, उन लोगों के लिए यहाँ पे आए हैं, और मोदी जी के लिए यहाँ पे यहाँ लोग पहुँचे हैं। लेकिन विजय संकल्प रैली आज की फुल फ्रेश सक्सेस है, बिल्कुल बढ़िया सिस्टम है जी, अच्छा है। और फिर मोदी सरकार आएगी दोबारा साहब। लोग तो कह रहे हैं, कौन कह रहे, क्या है, लोग तो कहते रहते हैं, लोगों को क्यों कर रहे हो आप मोदी का वोट? आप मेरी बात नहीं सोच लो, पूरा हरियाणा बोल रहे मोदी का वोट बोल रहे नहीं का, और कांग्रेस को झुंझुना झुंझुना बोले देखा है। हाँ यह सच्चाई से, हाँ वैसा ही था। तो राजस्थान में क्यों आप पूछा का इतिहास ठाके देखो, बीजेपी का वोट अपना काम करना हो तो कर जाएगा। साइलेंट वोट है बीजेपी का, भाई साहब ने बहुत पते की बात बताई है, बीजेपी का
भाई साहब एक बात, जिसने संविधान ने एक पावर दे रखी है कि आपका मत मताधिकार यानी मत का अधिकार, उसको बताने की क्या जरूरत है। और मोदी का यही मंत्र है कि अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो फिर बोलने की जरूरत नहीं है, और इसका प्रमाण भी दिया है भाई। पीछे आप एक बात बताओ, धर्मवीर जी किसी ने भी उम्मीद करी थी 4,75,000 से जीतना उम्मीद थी, और इधर कांग्रेस की रैली बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया था, फिर कहाँ गए? अब की बार मत कहता हूँ 400 बार, और 400 नहीं तो भाई हमने 273 है, और धर्मवीर से धर्मवीर जीतेगा। मैं ये नहीं कह रहा भाई लाख से जीतो 1.5 लाख से जीतो, लेकिन जीत अगर जीत एक वोट की भी जीत हो जाए, 2 की भी हो जाए और 50 की भी हो, हाँ ये सच्चाई है। हमारा वोटर बोले नहीं का, काम करना वो करेगा, मन में है सच्चाई है। इसको लिख लो चेक कर लो। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी मंसूर लंबा के साथ हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद।